आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे की तरफ से डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। जॉब बेसिकली यहाँ पर आपकी GDC के लिए रहने वाली है। यहाँ पर सब लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका RRC कोलकाता की तरफ से जारी किया गया है। बेसिकली यहाँ पर आपकी असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीसियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर के लिए पोस्टें निकाली गई हैं। ये वैकेंसी यहाँ पर उन लोगों के लिए निकाली गई है जो ईस्टर्न रेलवे में रेगुलर एम्प्लॉई हैं या फिर मेट्रो रेलवे में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क में या फिर RPF या RPSF में। तो ये इनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो बेसिकली यहाँ पर ITI और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। पहले की जो भी यहाँ पर वैकेंसी हैं आपकी, ये रहने वाली हैं ITI के लिए और नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं डिप्लोमा वालों के लिए। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर आपकी टोटल 5 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। सैलरी यहाँ पर आपको लेवल 6 की मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है। यहाँ पर पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा, इसके बाद में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिग्नल के लिए। टोटल यहाँ पर आपकी 6 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। JEE परमानेंट वे के लिए यहाँ पर सिविल वाले अप्लाई कर पाएंगे। टोटल आपकी 18 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। JEE वर्क में यहाँ पर भी सिविल वाले अप्लाई कर पाएंगे। टोटल आपकी 18 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। JEE ब्रिज में आपकी वैकेंसी रहेगी। टोटल यहाँ पर 6 पोस्टों पर। सैलरी यहाँ पर आपको लेवल 6 की मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पर 13 पोस्टों पर वैकेंसी है। JEE इलेक्ट्रिकल के लिए 8, JEE इलेक्ट्रिकल के लिए 10, JEE मैकेनिकल के लिए 6, 10 और 7 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं JEE टेली कम्युनिकेशन के लिए आपको बताया है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है JEE सिग्नल के लिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है JEE परमानेंट वे के लिए। यहाँ पर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपने BSc किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। JEE वर्क में भी आपसे यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा और BSc मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। JEE ब्रिज के लिए वैकेंसी है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपने BSc किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है JEE इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। JEE इलेक्ट्रिकल EMU के लिए वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। JEE इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। JEE इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के लिए वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। JEE कैरेज एंड वैगन के लिए वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल मशीनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, आप लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है JEE मैकेनिकल पावर लोको के लिए। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल एंड मशीनिंग में, आप लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट वैकेंसीज में यहां पर आपको सेम प्रोसेस बताया गया है। अपर एज लिमिट यहां पर आपकी 42 साल रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों का CBT एग्ज़ाम के आधार पर होगा। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आपसे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 15 नंबर के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 नंबर के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यहाँ पर आपसे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।